प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं टोने टोटके के प्रभाव खत्म करने के उपायों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए। पीली सरसों, गूगल, लोबान व गोर्त गोघर्त, इन सबको मिलाकर इनकी धूप बना लें व सूर्यास्त के 1 घंटे भीतर उपले जलाकर उसमें डाल दें। ऐसा 12-11 दिन तक करें। वैसे धुआं पूरे घर में रखें, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। जावित्री, गायत्री व केसर लगाकर उनको कूटकर गूगल मिलाकर धूप सुबह सुबह शाम कम से कम 21 दिन तक घर में जलाएं। धीरे धीरे तांत्रिक अभिक्रम समाप्त हो जाएगा। गऊ लोचन व तग्गर थोड़ी सी मात्रा में लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान में रख दें। शिव कृपा में तमाम टोने टोटके का असर समाप्त हो जाएगा। घर में साफ सफाई रखें। पीपल के पत्ते को 7 दिन तक घर के गौमूत्र के छींटे मारें व तत्पश्चात शुद्ध गूगल का धूप जला दें। कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु आपकी सफलता व तरक्की से चिढ़कर तांत्रिकों द्वारा अभिचार कर्म करा देता है। इससे व्यवसाय बाधाएं ग्रह क्लेश होता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु सवा में 1 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला, 1.25 मीटर काले कपड़े बांधकर अपने ऊपर से 11 बार घुमाकर शनिवार को दिन बहते जल में विस्तृत करें व मन में हनुमान जी का ध्यान करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार करें, तांत्रिक अभिक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मारना चाहता है तो पपीते के 11 बीज लेकर शिव मंदिर जाएं व शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर धूप बत्ती करें। शिवलिंग के निकट बैठकर पपीते के बीज अपने सामने रखें। अपना नाम गौमूत्र उच्चारित करके भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार करें व माला महामृत्युंजय मंत्र की जप करें तथा बीजों को एकत्रित करें। तांबे के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें। शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा हो तो नींबू को 5 भागों में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में 1-1 भाग को फेंक दें व घर आकर अपने हाथ पांव धो लें। तांत्रिक अभिक्रम से छुटकारा मिलेगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक दें तो व्यक्ति पर किए गए तांत्रिक अभिक्रम का प्रभाव खत्म हो जाता है। और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, तो आप उन्हें मतलब हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। जैसे आप जो कपूर होता है उसे भी कपूर होता है तो उसे आप घी में डालकर उस पर 2 लौंग रखकर भी उसका धुआं पूरे घर में दे सकते हैं। उससे भी आपकी बहुत सी परेशानियों का जो अंत है वो हो जाएगा, बहुत सी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। साथ ही में अगर आप घर में साफ सफाई रखें, पीपल के पत्ते से अगर 7 दिन तक घर के गौमूत्र से छींटे मारें, तत्पश्चात गूगल का धूप जला दें तो उससे भी घर में शांति जो है वो बनी रहती है। बहुत सी परेशानियों का धीरे धीरे अपने आप ही अंत होने लगता है। शत्रु अनावश्यक आपको परेशान कर रहा हो तो नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में 1-1 भाग को फेंक दें व घर आकर अपने हाथ पांव धो लें। तांत्रिक अभिक्रम से छुटकारा मिलेगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को 5 गोमती चक्र अपने सर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक दें तो व्यक्ति पर किए गए तांत्रिक अभिक्रम का प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी बनने लगेंगी। बाकी सब ठीक है, सब मंगल है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पीली सरसों, गूगल, लोबान, गोघर, इन सबको मिलाकर इनकी धूप बना लें व सूर्यास्त के 1 घंटे भीतर उपले जल जलाकर उसमें डाल दें। ऐसा 21 दिन तक करें व इसका धुआं पूरे घर में करें। इसे नकारात्मक शक्तियाँ दूर भगाती हैं। साथ में जावित्री, गायत्री का भी मतलब केसर लगाएं, घर में साफ सफाई रखें, पीपल के पत्ते से राजेंद्र गौमूत्र के छींटे मारें, तत्पश्चात शुद्ध गूगल का धूप जला दें। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आपकी सफलता व तरक्की से भी चिढ़ता है तो उसके लिए भी कहने का मतलब आप तांत्रिक उपाय करते हैं तो उनसे भी मतलब छुटकारा आपको हमेशा के लिए मिल सकता है। बहुत सी परेशानियाँ आपकी दूर हो सकती हैं। बीजों को एकत्रित करके तांबे को ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें तो उससे भी समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय, रत्न रंग, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ हो।